अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 पर मौजूद हैं और आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीक्वेंस और टाइमलाइन पर, और सेकंड हम बात करेंगे दोस्तों बेसिक एडिटिंग पर। सो दोस्तों, लॉन्ग गैप के बाद हम दोस्तों अपनी इस वीडियो पर कंटिन्यू हैं और इंशाल्लाह दोस्तों अब मैं रेगुलर वीडियो को पोस्ट करता रहूँगा, क्योंकि दोस्तों ड्यू टू सम रीजंस ऐसे थी कि जिसकी वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा ब्रेक लिया और अब हम दोस्तों इंशाल्लाह फुल फ्लैच इस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से दोस्तों इस सीरीज को खत्म करेंगे। और इस दोस्तों प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको बहुत सी एडवांस चीजें पता चलने वाली है प्रीमियम प्रोग्राम की वजह से। सो दोस्तों लेक्चर नंबर 2 को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसके लिए जाना होगा हमें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जल्दी से जल्दी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ मौजूद अपने प्रीमियर सॉफ्टवेयर 2023 वाले में, जो कि दोस्तों अभी तक का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 23 वाला। मैंने दोस्तों अपना लास्ट लेक्चर बनाया था उसमें मैंने 22 वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जो कि ओल्ड हो चुका था, और 23 वाले में दोस्तों हमें ज़्यादा फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें एडिटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो आपने दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि मैं इसकी एक मजीद एक वीडियो बनाऊंगा आने वाली वीडियो में, मगर फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप, मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ गेट इनटू पीसी सॉफ्टवेयर है, वहाँ उसको आप जरूर विजिट करें। वहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर, ये नहीं कि आप प्रीमियर प्रो, बल्कि एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कुछ भी आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बाय डिफॉल्ट 4 पैनल देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जिसको मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका था अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें, कैप्शन पर लिंक आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके ज़रूर वॉचआउट करें। सो फिर भी यहाँ पर लेक्चर, ये पैनल आपने लाने कैसे हैं, ये टेम्पलेट्स आपने कहाँ से लाना है, तो सिंपली हमें करना है, आपने न्यू पर चले जाना है, न्यू पर, और यहाँ पर प्रोजेक्ट, और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कुछ भी प्रोजेक्ट नेम देख सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ लिखा है EWAYT, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट लोकेशन, यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम सिंपली इसको क्रिएट कर देते हैं और इसको हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे। अब हम दोस्तों वही इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो हमने ऐड किया है, वो हमें कहाँ देखने की मिलेगी, फाइल पर आना है, फाइल आने के बाद आपने दोस्तों प्रोजेक्ट सेटिंग और यहाँ पर आपने जनरल कर देना है। तो ये वो पैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप बिगनिंग पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको एक दफ़ा ही सेट करना पड़ता है, बाद में ये खुद ही बाय डिफॉल्ट वही सेटिंग ले लेता है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं जो कि मैंने EWAYT मैंने अपना प्रोजेक्ट नेम दिया था, और जनरल पर आप यहाँ देख सकते हैं टेंडर में आपको, अगर आपका ग्राफिक कार्ड लगा है तो आपको दोस्तों OpenCL आपको देखने को ऑप्शन मिल जाएगी, मगर वैसे बैकफॉल जो होगी सॉफ्टवेयर ओनली में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोड आपके सिर्फ सॉफ्टवेयर पर चल जाता है, कोई ग्राफिक कार्ड नहीं यूज़ हो रहा होता, तो इससे क्या होता है कि आपकी रेंडरिंग के दौरान बहुत ज़्यादा आपको लैग करने को मिलेगा और प्लेबैक रेजोल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा हैंगिंग होगी, मीन्स कि आप अच्छे तरीके से वीडियो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप CUDA पर क्लिक करके रखें, जो कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड नहीं भी लगा फिर भी आप इसको, ये ऑप्शन आपको मिल जाती है, इसको क्लिक करके रखेंगे और डिस्प्ले फॉर्मेट टाइम कोड, इसमें आपको टाइम ही मिल जाएगा और डिस्प्ले फॉर्मेट आपने ऑडियो सिंपल करना है सैम्पल, और उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट जो है वैसा ही रहेगा, इसको आप सिंपली ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आप वही पैनल देख सकते हैं, 4 पैनल जिसको आपने पहले ही देखा था। तो अब हम दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्या है टॉपिक हमारा आज का, वो ये है कि दोस्तों हम सीक्वेंस को देखेंगे और टाइमलाइन पैनल को देखेंगे और लास्ट में दोस्तों बेसिक एडिटिंग करेंगे। इस बेसिक एडिटिंग के बाद आपको मैं ज़रूर श्योरिटी देता हूँ कि आप कोई भी वीडियो को सिंपल सी एडिटिंग उस पर ज़रूर कर पाएंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है दोस्तों, सीक्वेंस सिंपल एक तरतीब है कि आपकी वीडियो की लेयर्स कहाँ होंगी, आपकी वीडियो कैसी होगी, वीडियोस के FPS क्या होंगे, वीडियोस की क्वालिटी क्या होगी, उस सब को हम सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस कहाँ डालते हैं, सीक्वेंस आपकी ऐड होगी यहाँ टाइमलाइन पैनल पर। सबसे पहले हमें सीक्वेंस ऐड कैसे करनी है, बहुत तरीके हैं सीक्वेंस को ऐड करने के, 3 तरीके हैं। पहला ये है कि आप फाइल पर चले जाएँ यहाँ पर न्यू पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+L। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये वाला पैनल देखने को मिलेगा जिसको हम सीक्वेंस पैनल कहेंगे। तो
अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीसेट्स देखने को मिलेंगे, कैमरा प्रीसेट्स हैं। और इसमें अगर आप सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं कोई भी प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने DSLR यूज़ किया है, DSLR पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद 1080p 25, इसको जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पर हमें दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग अपने आप में प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर हमें दे देता है कि भैया आपकी ये फ्रेम साइज आपका ये होगा, फ्रेम रेट आपका ये होगा, एस्पेक्ट रेशियो ये होगी, और फील्ड्स में हम नो फील्ड्स करते हैं तो ये जो सबसे सूटेबल होती है प्रीमियर प्रो हमें वही सजेस्ट करके दे देता है। मगर अगर आप चाहते हैं कि भाई हम सेटिंग पे जाकर खुद हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एडिटिंग मोड को सबसे पहले आप यहाँ पर कर दें कस्टम। कस्टम का मतलब यही है कि हम भाई खुद चेंजिंग करें कि हमारी वीडियो किस टाइप की होगी, कि हम अपनी वीडियो में क्या टाइम बेस रखना चाहते हैं, फ्रेम साइज़ क्या होगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम बेस फ्रेम पर सेकंड आप इसको 25 कर दें। फ्रेम साइज़ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको जो देखने को मिलेगा वही आपका फ्रेम साइज बेस्ट होगा। तो अगर आप इसको चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बात होता है कि आपका फ्रेम साइज कम होता है तो आपकी मशीन में जो विंडोज होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं, वो ज़्यादा दिए हो जाते हैं, मगर यहाँ पर कम बात कम लिखा होता है अपने पीसी के रेजोल्यूशन देख कर। और यहाँ पर आपको पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, इसको आप 200 स्क्वेयर पिक्सल पर ही रहने दें, और फील्ड्स में आप नो फील्ड्स करें, और डिस्प्ले फॉर्मेट में आप 25 FPS टाइम कोड कर दें। और टाइम कोड ये होता है कि आपको टाइम भी मेंशन होता है इसमें, और उसके बाद सैंपल रेट 48,000 Hz फ्रिक्वेंसी आपको इतनी मिलेगी। और यहाँ पर बाकी जो भी है इसको आप बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस नेम भी आपको देखने को मिलेगा, इसको अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला दोस्तों हमारे पास सीक्वेंस बन चुका है, और आप यहाँ दोस्तों टाइम लाइन पर भी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सीक्वेंस का नेम आ चुका है सीक्वेंस 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ वीडियो को कोई भी वीडियो को इम्पोर्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से पीपल वीडियो देखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो आ चुकी है। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा, यहाँ पर ड्रॉप करूँगा। और प्रीमियर प्रो की खास बात ये है कि जो भी आपकी वीडियो है इसको जैसा कि आपने सीक्वेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर देगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको चेंज पर सिलेक्ट करें। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, जो मेरी एक्चुअल वीडियो है, जो मैं अपनी वीडियो को इम्पोर्ट किया, जो उसकी सेटिंग है वही रहे, तो आप इसको सिंपली की पर करें। बट मैं अपनी सीक्वेंस को खराब नहीं करना चाहता, अपनी सीक्वेंस को एक ही सीक्वेंस रखना चाहता हूँ अपनी वीडियोज़ की, तो इसको मैं सिंपली चेंज पर क्लिक कर दूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी वीडियोस आ चुकी है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस हमारा बन चुका है, और इसका आइकन आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का सीक्वेंस आइकन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप चीज़ें गौर कर रहे होंगे कि हमारे दोनों के फ्रेम पर सेकंड सेम है, वो इसलिए सेम है क्योंकि हमने चेंज सेटिंग पर क्लिक किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस बन चुका है। तो सीक्वेंस दोस्तों इसी काम के लिए होता है कि आपकी वीडियो में कंटिन्यूटी अच्छे तरीके से एक साइनमेटिक मोड बन जाए। ये नहीं कि आपके एक वीडियो में फ्रेम पर सेकंड 25 है, बाद में आप बाय डिफॉल्ट वीडियो इंपोर्ट करते हैं उसमें 60 FPS हो, तो बहुत सी ऑड वीडियो लगेगी, आपकी अच्छी वीडियो नहीं बनती। इसीलिए हम सारे सजेस्ट यही करते हैं कि आप सीक्वेंस एक बना कर रखें कि आपको मैसेज नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका सीक्वेंस खराब होने वाला है, तो फिर पॉपअप मैसेज आता है कि आप चेंज करना चाहते हैं सीक्वेंस सेटिंग के हिसाब से, तो आप सीक्वेंस चेंज पर क्लिक करें। या अगर चाहते हैं कि भैया हमने वो पुराने वाला सीक्वेंस रखना है तो आप सिंपली उसको की पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सीक्वेंस पर, और अब हम टाइम नंबर डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, मीन्स की बेसिक एडिटिंग। तो मैं यहाँ दोस्तों टाइमलाइन पैनल को डिस्कस करने से पहले यहाँ सोर्स पैनल को भी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीडियो को एडिट करने के दौरान। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वीडियो कैसे लेकर आएंगे, होता क्या है दोस्तों, हम सबसे पहले वीडियो इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट पैनल पर। प्रोजेक्ट पैनल के थ्रू हम जाते हैं यहाँ पर सोर्स पैनल पर, सोर्स पैनल से हम वीडियो लेकर आते हैं यहाँ पर टाइमलाइन पैनल पर, और लास्ट में हमारी वीडियो जाती है प्रोग्राम पैनल, जो कि जिसको मैं कहता हूँ आउटपुट है, आउटपुट पैनल। सबसे पहले यहाँ पर हमने वीडियो लेकर कैसे आनी है, आप सबसे पहले यहाँ तो डबल क्लिक कर दें, या डबल क्लिक नहीं करना चाहते वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पर ड्रॉप कर दें, बहुत आसान है। तो अब हम कह रहे हैं कि आप यहाँ दोस्तों हम थोड़ी सी ट्रिमिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोर्स पैनल पर हम ट्रिमिंग करेंगे वीडियोस की। तो पहले मैंने ट्रिमिंग की थी, तो सबसे पहले मैं इसको फुल वीडियो फुल लेंथ इसकी सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास फुल लेंथ है 46 सेकेंड। तो यहाँ पर ट्रिमिंग कैसे करनी है, प्ले हेड को आप उठाएं, फर्स्ट 5 सेकेंड को मैं ट्रिम करना चाहूँगा। अब मैं करूँगा यहाँ तुम अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करूँगा, अगर आई नहीं करना चाहते आप सेकंड बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं मार्किंग। सो अब लास्ट पर
लास्ट पर भी मैं कहता हूँ भाई मैं 5 सेकंड में अच्छा नहीं है, मैं उसको मैं कहता हूँ मैं डिलीट कर दूँ। वो कैसे करेंगे, मार्कआउट थर्ड ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें, या आप कीबोर्ड से ओ को भी प्रेस कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों इस प्लेयर हेड कोड से मैंने कितने का गया, या तो आप सिंपली यहाँ से प्ले कर दें, या तो आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। वो कैसे, आप जे प्रेस करेंगे तो आपका बैकवर्ड आएगा, अगर आप के प्रेस करते हैं तो स्टॉप होगा, अगर आप एन प्रेस करते हैं तो आपका फॉरवर्ड होगा, या अगर आप दोस्तों स्लो मोशन में बैक करना चाहते हैं आपको जे और के प्रेस करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत से स्लो मोशन के साथ हमारी ये वीडियो चल रही है। और या अगर आप दोस्तों फॉरवर्ड जाते हैं के स्लो मूव करें, आपने के प्रेस करना है और एल प्रेस करना है। तो अब आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो सिलेक्टेड आइटम है वो यहाँ 36 सेकंड का हो गया है, जो कि पहले हमारा 46 सेकंड की हमारी एक्चुअल वीडियो थी। अब हमें दोस्तों यहाँ से यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे, अपने सोर्स पैनल से टाइमलाइन पर कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा हम टाइमलाइन पैनल पर ही हम अपनी एडिटिंग करेंगे। बेसिक एडिटिंग या एडवांस एडिटिंग कुछ भी आप करेंगे आप टाइमलाइन पैनल को जरूर यूज करेंगे। यहाँ पर आप ये वीडियो यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ तो आप इंसर्ट को क्लिक करें, अगर यहाँ पर कोई वीडियो नहीं है, अगर यहाँ पर वीडियो है ऑलरेडी तो आप प्ले हेड को आगे लेकर जाएं और यहाँ से आप कर दें ओवरराइड। जैसे ही ओवरराइड करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आगे हमारे पास वीडियो आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो वीडियो यहाँ पर लेकर आ गए हैं। ये हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया सोर्स पैनल को और टाइमलाइन पैनल को, और टाइमलाइन पैनल में और भी चीज़ें हैं इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है स्नैप स्नैप टूल, ये किस काम के लिए आता है ये भी आपको बता देते हैं जल्दी से। सबसे पहले इसको हम आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं। अगर मैं दोस्तों इसको ऑफ करता हूँ क्या होगा, इसको ऑफ करने से सबसे पहले हम इसको जूम करते हैं। ऑफ करने से क्या होगा दोस्तों, जहाँ पर मैं रखूँगा ये वहाँ पर भी एक्चुअल जाकर लग जाएगा, ये नहीं कि भाई थोड़ा सा करीब आया क्लिक हो जाए। अब क्या होगा, अब आप गौर करें ब्लैक स्क्रीन हुई तो कितना ऑड लगा है। तो आपको बाद बाद ये काफ़ी जूम आउट होता है तो आप कहते हैं कि भाई ये आप इसमें लिंक्ड है, तो ऐसे क्या होता है ऐसे आपकी वीडियो में कंटिन्यूटी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों आप स्नैपडील को यूज़ करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो ये है कि अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे मैं वहाँ पर आया ये अपने आप उसने उसको अटैच कर लिया स्नैप टूल की मदद से। और यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं ऐड मार्कर, अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी पर मार्क लगाना कि भाई मैंने यहाँ पर एडिटिंग मेरी फर्दर रह गई है, तो आप याद के लिए आप यहाँ सिंपली ऐड मार्क कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ग्रीन कलर का मार्क आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं V1 V2 V3 A1 A2 A3, ये इसके दोस्तों आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये किस लिए होता है। ये दोस्तों V1 V2 V3 ये ट्रैक्स हैं दोस्तों हमारी वीडियोस के ट्रैक्स हैं, और जो A1 A2 A3 ये हमारे ऑडियोज़ के ट्रैक्स हैं। इसको दोस्तों हम सिंपली अगर आप इसको करना चाहते हैं लॉक करना चाहते हैं सिंपली आप इसको लॉक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा पास ये लॉक से ये वाला ट्रैक हमारा बिल्कुल लॉक हो जाएगा। अब मैं इसको कोई क्लिक नहीं कर सकता, अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, मीन्स कि अब इसमें कोई मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टॉगल लॉक। और अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं ऑडियो को, सिंपल आप उसको लॉक कर दें उस ट्रैक को। तो यहाँ पर हमें अभी इसको अनलॉक करते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं वीडियो को बिल्कुल रिमूव करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, आप सिंपली इसको ऑफ कर दें, इसकी आई जो है इसको आप ऑफ कर दें, सिंपली आपकी वीडियो में ऑफ हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो ये म्यूज़िक है जो मैंने जो भी ऑडियो लगाया है म्यूज़िक का वॉइस ओवर जो भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको म्यूट कर दूँ, आप सिंपली इसको एम पर क्लिक कर दें। अब आप जैसे ही आप वीडियो को सेव करेंगे बाद में आपको कोई म्यूज़िक नहीं देखने को मिलेगा। ये याद रहे कि जो इस ट्रैक पर इसी ट्रैक के म्यूज़िक को आपने ऑफ किया, अगर आपकी ये लेयर्स नीचे आती हैं तो इसमें तो आपने ऑन है, इसका मतलब ऑन है तो इसमें तो आपका म्यूज़िक चल रहा होगा। तो ये मेक श्योर है कि तो इस बात को आप जरूर देख लेना वीडियो को एडिट करने के दौरान। सो यहाँ पर हमने देख लिया म्यूट को, विजिबल को, और उसके बाद ऑडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक और उस पर चाइल्ड। तो अब हम बात करते हैं हमने वॉइस ओवर कैसे करना है, वो भी आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। वॉइस ओवर को आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं टाइम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं सिंपली इसको यहाँ से स्टॉप करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल्स है वो बंद कर आ चुकी है ऑडियो की। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने दोस्तों टाइमलाइन की जो भी आइकन्स है उसको डिस्कस कर दिया।
तो अब हम दोस्तों थोड़ी सी वीडियो में एडिट करेंगे कि वीडियो को एडिट कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ वीडियो को एडिट क्लिक करता हूँ तो आपने गौर किया होगा कि हमारे ये ऑडियो फाइल है और वीडियो दोनों क्लिक हो रहे हैं। इससे क्या होगा, अब मैं फर्ज करो यहाँ से मैं कोई भी कट करता हूँ, इसको ट्रिम करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऑडियो और वीडियो दोनों में कट हो रहा है। तो आजकल ऐसा होता है कि हम अपनी वीडियो में एडिट करना चाह रहे होते हैं, ना कि हम अपने वो जो ऑडियो फाइल है उसको क्लिक करना चाह रहे होते हैं। सिंपली इसके लिए आपने क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और अनलिंक कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अब आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर ट्रिमिंग करना चाहते हैं, यहाँ से ट्रिम करते हैं रेजर टूल, और इसको आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट बटन को आप क्लिक कर दें, जिससे आपका डिलीट हो गया। अगर आप इसको लिंक्ड करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट ऑल करें और यहाँ से आप सिंपली इसको लिंक्ड कर दें। तो आपने देख सकते हैं लिंक्ड हो चुके हैं। अब कहीं पर भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कहीं पर भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। और जो ऑडियो है, ऑडियो इस लाइन से ऊपर नहीं आने वाली। ऑलराइट, तो हमने यहाँ दोस्तों अपने टाइमलाइन के आइकन्स को डिस्कस कर लिया है डिटेल से, और यहाँ पर हम थोड़ी सी आप एडिटिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट पैनल और सीक्वेंस पैनल, मीन्स के टाइमलाइन पैनल के दरमियान पर आप देख सकते हैं एक और पैनल है, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये टूल्स होते हैं, ये किस काम आते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके पास सिलेक्शन टूल, ये दोस्तों शॉर्ट की इसकी ये है कि आप वी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या आप इसको मैनुअल भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल का मकसद क्या होता है, वो यही होता है कि आप किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, कहीं पर भी ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ पर आप ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई यहाँ आप किसी के लेयर के ऊपर आप लेयर एक देना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं कोई भी। तो यहाँ अगर आप सिलेक्ट ऑल करते हैं तो आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको आगे पीछे करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं अपनी मर्जी के थ्रू। तो यहाँ भी हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी जो कि आपको पता है कि अनडू के लिए होता है। यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल को देख लिया, और उसके बाद जो ज़्यादातर यूज़ होता है एक सिलेक्शन टूल होता है, और उसके बाद रेजर टूल यूज़ होता है। रेजर टूल किस लिए होता है, सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अगर कट लगाना हो किसी चीज़ पर तो आप सिंपली इसको रेजर टूल पर इसको कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं एक कट लग चुका है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइन आप देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों इसको अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो डिलीट हो गया सेगमेंट जिसको अब हमने कट लगाया था। अब मैं अगर वीडियो में कट लगाना चाहता हूँ वो भी हम सिंपल कर सकते हैं, कैसे, अगर हमने सिंपल इसको कट लगा दिया। अगर आप दो कट लगाना चाहते हैं फिर कट लगाएं, फिर एक कट लगाना चाहते हैं, कहीं पर भी आप कट लगाना चाहते हैं कि भाई ये वाला सेगमेंट अनवांटेड है, मैं नहीं चाहता कि सेगमेंट को अपनी वीडियोस में लेकर आऊँ, तो आप सिंपली कट लगाएं और वी यूज़ करें, मीन्स का सिलेक्शन टूल यूज़ करें। और इसको डिलीट करना चाहते हैं सिंपली इसको डिलीट करें, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं इसको डिलीट कर दें, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं इसको डिलीट कर दें, या अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ इसको आप ऊपर लेकर आना चाहते हैं यहाँ पर ले आए, ठीक है, वहाँ से उठाकर हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। क्योंकि बात का होता है कि भाई कुछ वीडियोज हम चाहते हैं कि भाई जो लास्ट पार्ट है अपनी वीडियो के दरमियान पर, तो यहाँ पर जो हमारी ऑडियो है ऑडियो को भी ट्रैक करके आगे ले जाते हैं एंड पर। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों इस सेगमेंट के बीच कोई ऑडियो नहीं है, मीन्स कि म्यूट है। तो अगर मैं यहाँ प्ले भी करता हूँ तो मुझे कोई साउंड नहीं आने वाला, ठीक है। ऑलराइट, और उसके बाद रेजर टूल को आप मैनुअल भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें दोस्तों पेन टूल, पेन टूल किसके लिए यूज़ होता है, पेन टूल आप ये एडवांस में यूज़ होगा, ये पैसे आपको बता दूँ किसके लिए होता है। अगर हमने मास्किंग करनी है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है मैनुअल से, अगर हमें ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाई तो आप चाहते हैं कि भाई बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूँ, मैं इसमें मास्किंग करना चाहता हूँ, या कुछ भी एक शेप बनाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली पेन टूल से बना सकते हैं बहुत सारे से। और यहाँ जो रेक्टेंगल टूल है इसमें आप बॉक्सेस बना सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। अगर आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी एक शेप बना सकता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा कि भैया आप इसका कलर कैसे सेलेक्ट करना है, अभी हम बेसिक एडिटिंग पर हैं। तो बेसिक एडिटिंग में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये टूल किस काम के लिए होता है, आपने वीडियो में ट्रिमिंग कैसे करनी है, ट्रिम अगर हम ट्रिम कर दिया है तो उस सेगमेंट को आप कहीं पर भी कैसे लेकर जा सकते हैं, अभी हम इस पर फोकस करें। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल सिंपल क्या है, आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ आउटपुट पर चला गया, आउटपुट पर चला गया, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ EWAYT। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पास आ चुका है टेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल जैसे मैं लिख दिया, कुछ लोग क्या करते हैं टेक्स्ट टूल लिख के यहाँ पर दोबारा क्लिक करने लग जाते हैं, फिर एक और टेक्स्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं
रेड में रेड बॉक्स में एक और टेक्स्ट के लिए यहाँ पर प्लेस आ चुकी है। हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे और टेक्स्ट टूल से इस आइकन से जान चुराने के लिए कि भाई ये टेक्स्ट आइकन है, इसको मैं डिलीट कैसे करूँ, इसको मैं रिमूव कैसे करूँ। सिंपल आप करें सिलेक्शन टूल, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट आ चुका है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये टेक्स्ट की जो लेयर है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। लेयर कैसे ऐड होती है, जहाँ पर आपका प्ले हेड होगा वहाँ से आपकी लेयर स्टार्ट होगी। अगर आप इस लेयर को भी करना चाहते हैं कि भाई मैं लेयर को यहाँ नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई इस सेगमेंट के में लेयर्स आ जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर्स आ चुकी है। और उसके बाद ये जैसे अगर आप अपने कीबोर्ड से आर प्रेस करते हैं और अपने ड्रैग करते हैं अपने माउस से, तो आप यहाँ देख सकते हैं जूम इन जूम आउट हो रहा है। और अगर आप अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आते हैं और कीबोर्ड से आर प्रेस करते हैं और अपने माउस से ड्रैग करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स भी, इसकी लेंथ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से आप सिंपली इसको अगर मैनुअल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी लेयर्स को ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से आप दोस्तों ऑडियो को भी ऐसे ही कर सकते हैं, मैनुअल करना चाहते हैं मैनुअल कर सकते हैं, अगर आप दोस्तों इसको मैनुअल नहीं करना चाहते हैं आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करें और अपने माउस से कर्सर उसका चेंज करें। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं वो ये है कि आप कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करें और अपने माउस से व्हील को आप ऐसे घुमाएं। इससे फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कोई साउंड नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही लेयर आ रही है, इसका मतलब है ये म्यूट किया होगा, आप यहाँ देख भी सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, और मैं इसकी लेयर को थोड़ा सा बड़ा करूँगा, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ से मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रैक बना हुआ है, इससे क्या होता है, इसे हम अच्छे तरीके से फॉलो कर पाते हैं कि भाई मैं कहाँ पर स्टॉप हुआ हूँ, कहाँ पर मैंने साउंड स्टार्ट किया है, कहाँ पर मैंने अपनी वॉइस को स्टार्ट किया है, कंटिन्यू कहाँ से किया है, यहाँ से आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ से। कैसे कर सकते हैं, यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे ट्रैक है वो यहाँ पर लेयर डाउन हुई है, इसका मतलब यहाँ पर मेरा साउंड ख़त्म हुआ है। अब मैं करूँगा वही रिजल्ट टूल यूज़ करूँगा और यहाँ से यहाँ पर कट लगा दूंगा सिंपल, और फिर कट लगाऊंगा और यहाँ से वी टूल यूज़ करूँगा। वी का मतलब क्या है, वो भी सिलेक्शन टूल से करूँगा, इसको क्लिक कर दूंगा और अपने कीबोर्ड से यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। और अब मैं इसको क्लिक करूँगा स्पेस को, यहाँ से डिलीट करूँगा, और अगर डिलीट नहीं हो रहा तो आप सिंपली इसको मैग्नेट टूल यूज़ करके इसके साथ कनेक्ट कर दें। अगर मैग्नेट टूल नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो माइनर सा भी डिफरेंस रह जाएगा जिसमें आपकी वीडियो में ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। और उसके बाद अपने जो ट्रैक्स हैं वीडियो ट्रैक उसको भी आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको इसकी लेंथ को इंक्रीज किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो शो हो रही है कि हमें पता चल रहा है, इसे हिंट मिल रहा है कि मेरी ये वीडियो इसके रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इसको कंटिन्यूसली अपनी वीडियो थ्रू आउट देखता रहूँ, वो कैसे करेंगे, उसके लिए करना होगा आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यूस वीडियो थंबनेल पर क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, इससे आपके तमाम जैसे भी सेगमेंट्स हैं उन सब में जो हिस्सा जिस जो एक्शन हो रहा होगा उसके रिलेटेड वहाँ पर वो इमेज आ जाएगी। तो मैं यहाँ दोस्तों आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप इसको इस तरह से बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों से क्या होता है कि आपके सिस्टम में ज़्यादा लोड पड़ेगा और यहाँ पर जो प्ले हेड है आपको देखने में मुश्किल होगी। वो ये है कि जैसे आप प्ले करेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे ना स्मूथ से नहीं चलेगी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा लैग होता हुआ देखेगा। अभी नहीं हो रहा, मगर जैसे ही कोई बड़ी वीडियो आप बनाते हैं तो उसमें जरूर लैग होता है। तो अभी मैं दोस्तों ये कंटिन्यूस वीडियो थंबनेल को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ सिंपली इसको सीक्वेंस फोर यहाँ जाऊँगा थ्री लाइंस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस पर डॉट लगा, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। आप करें आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप वीडियो हेड एंड टेल थंबनेल कर दें, इससे क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं जो वीडियो के हेड में आपकी वीडियो को थंबनेल आ जाएगा और लास्ट पर जो टेल है वहाँ पर आपका थंबनेल आ जाएगा, मगर फिर भी आप इसको सिंपली वीडियो हेड थंबनेल ही रखें जो कि बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ जब हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ओके हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑडियो लेवल है, जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑडियो लेवल हमारा 18 पर चलेगा डेसिबल पर और 24 पर 30 पर, यहाँ से आप ऑडियो को भी जज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने म्यूट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऑडियो नहीं नज़र आ रहा, डेसिबल मीन्स के यहाँ पर अभी जीरो है। और उसके बाद प्रोजेक्ट पैनल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियोस हैं, यहाँ पर आप कुछ और भी लेकर आते हैं लेयर्स को, यहाँ से यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और लेयर्स लेकर आए हैं। तो
अब मैं करूँगा यहाँ से इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करूँगा। कहीं पर भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो इसका जो साइज है, वीडियो का साइज है, जो लेयर है वो काफ़ी फुल स्क्रीन पर आ रही है। अब मैं करूँगा यहाँ पर इसका जो साइज मिनिमाइज करना है, उसको तरीके हैं, दो तरीके हैं उसके। सिंपली आप जहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इजीली होता है। अगर आप इसको वाई एक्सिस पर लेकर जाना चाहते हैं, वाई एक्सिस पर भी आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप एक्सिस पर इसकी चेंज करना चाहते हैं पोजिशन, वो भी आप कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है इसके पोजिशन को चेंज करने का, अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पर अभी बाई डिफॉल्ट पैनल्स नहीं आ रहे, यहाँ पर करना है वर्क स्पेस पर जाना है। वर्क स्पेस पर जाने के बाद आप इसको एडिटिंग पर क्लिक कर दें। जैसे आप दोस्तों एडिटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दोस्तों फिर वही पैनल आ गया, मगर यहाँ पर दोस्तों आपको इफेक्ट्स कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मोशंस क्या होते हैं, मोशंस यही होते हैं कि आपने वीडियो की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको करेंगे, इसकी पोजीशन को आप चेंज कर देंगे, या एक्स एक्सिस पर चेंज हो रही है, और अगर आप वाई एक्सिस पर चेंज करना चाहते हैं इसकी पोजीशन को, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू देना चाहते हैं, लाइक मैं देता हूँ 100, इसे जैसे मैं 100 दे दी। और स्केल्स क्या होता है, स्केल्स जूम जूम कर देगा आपकी वीडियो को, जूम इन जूम आउट कर देगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूनिफॉर्म स्केल है। अगर मैं यूनिफॉर्म स्केल को चेक करता हूँ, अगर मैं इसको सॉरी अनचेक करता हूँ, इससे क्या होगा, ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेच को यकीन आप फॉलो करते होंगे अगर आप फोटोशॉप पर काम कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको यूनिफॉर्म स्केल को ऑन करता हूँ तो ये स्ट्रेचिंग नहीं होगी, उस पर एक ही एक्सपेक्ट रेशो होगी, उस हिसाब से उसकी जो एक्स एक्सिस चेंज होगा, उसका वाई एक्सिस चेंज होगा, उसकी जो मेन मोड को चेंज करेगा अपना प्रिंटर को। देख सकते हैं इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं हो रही। अगर मैं इसको करता हूँ यूनिफॉर्म स्केल, अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वैसे आप इसको ऑन ही रखें। और अगर आप रोटेशन चेंज करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं, आप इसको कर सकते हैं, रोटेशन भी इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद ओपेसिटी आ जाती है। ओपेसिटी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ओपेसिटी भी कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट आपको 100 ही मिलेगी, आप मैं कहता हूँ ओपेसिटी को 50% करता हूँ, 50% आप देख सकते हैं 50% इसकी ओपेसिटी चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर आप दोस्तों इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव भी कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को अगर प्लेन है तो वेल एंड गुड, इसको रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा, इजी है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वैसे तो ये मैंने अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताना था, मगर मैंने कहा चलो ये वीडियो आई है तो इसको बैकग्राउंड भी रिमूव करना आपको सिखा देते हैं। इफेक्ट्स पर चले जाएंगे, कैसे जाना है, आपने एरो पर क्लिक करना है अपने जो प्रोजेक्ट पैनल से, और इफेक्ट्स पर चले जाना है, इसको मार्क क्लिक करना है। उसके बाद आपने करना है, आपने वीडियो इफेक्ट्स पर चले जाना है। वीडियो इफेक्ट्स पर चले जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर किंग क्लिक कर देना है। जैसे किंग को क्लिक करेंगे और अल्ट्रा की को आपने ड्रैग करना है और अपनी वीडियो पर ड्रॉप कर देना है, जहाँ पर आप इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना चाह रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे, हम अपने जो ये वाला पैनल है, साइकिल वाला पैनल, सोर्स पैनल, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर की कलर जहाँ पर लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ से सिंपल जाएंगे, जहाँ इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम दोस्तों इसको एग्रेसिव कर देंगे। एग्रेसिव का मतलब ये होगा कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे अंदाज से हमारा यह बैकग्राउंड मूव हो चुका है। अब मैं इसकी थोड़ी पोजिशन को चेंज करता हूँ। तो अब हम दोस्तों अपनी वीडियो को चलाकर देखते हैं कि हमारी वीडियो बनी कैसी है। वो कैसे चलाएंगे, यहाँ पर हम सिंपली दोस्तों यहाँ से इस पैनल को बड़ा कर देंगे टिल्डा साइन से। अब मैं यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं और 1/4 आप देख सकते हैं, 1/4 है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी हमने रिमूव कर दिया और उसकी ओपेसिटी को हमने 50% किया था, याद है ना आपको। और इसको टिल्डा भी कर सकते हैं और ये तो चलो आ गया। उसके बाद यहाँ से ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और जैसे ही लेयर्स आ रही हैं, वो लेयर्स के जो भी वीडियो था वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, और जो टेक्स्ट डाला था वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। अब इसमें एनिमेशन कैसे डालनी है, ट्रांजिशन कैसे डालनी है, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर कोई वीडियो नहीं थी, तो उन्होंने भाई कोई वीडियो नहीं लगाई, सिंपल इसका ऑडियो, जो भी ऑडियो हमने म्यूट किया हुआ है, यहाँ से फिर वीडियो स्टार्ट होगी। मैं इसको स्पेस से फिर इसको मैं चलाता हूँ वीडियो को, और यहाँ से आप देख सकते हैं गैप है, गैप को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पर, और मैग्नेट टूल मेरा मेश्योर, मैग्नेट टूल मेरा ऑन है, और मैं यहाँ पर इसको अटैच कर दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी वीडियो फाइनली एंड हो चुकी है।
तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इसी के साथ अपने चैनल इजी वे फॉर एंड्रॉइड पर इजाज़त दें। तो मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।